शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
विशेष सूचना। विशाल चौधरी, जिसे कोर्ट में पुलिस कमिश्नर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। पुलिस विशाल की गिरफ्तारी के प्रयास कर ही रही थी कि इसी बीच ठाणे मेंटल असाइलम से श्री रमाकांत चौधरी भी भाग निकले। श्री रमाकांत चौधरी पुलिस विभाग में एक उच्च पद पर आसीन थे। पिछले दिनों उन्हें अयोग्य ठहराकर पद से हटा दिया गया। ठाणे मेंटल असाइलम में उन्हें दिमागी इलाज के लिए रखा गया था। विशाल चौधरी या श्री रमाकांत चौधरी के बारे में कोई भी सूचना यदि किसी को मिले तो वो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में खबर करे। सूचना समाप्त हुई। ये लो बात करो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं। एक पागल कुछ भी कर सकता है। नहीं। पागल खून भी कर सकता है। नहीं। तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए खून चाहिए ना? नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए खून चाहिए ना? नहीं। तुम अदालत में जाकर वकालत करोगी? मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ठाकुर को किसने मारा था? मुझे छोड़ दो। मुझे उसका नाम बताओ। मुझे छोड़ दो। किसने मारा था ठाकुर को? मैं बताती हूँ। अगर चौधरी लॉयर गुप्ता तक पहुंच सकता है तो वो डॉक्टर विवेक को भी ढूंढेगा। चौधरी के हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर को उड़ा दो। सजा के लायक था सर, और आपने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचा ली। अब कोर्ट में मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मेरे इन हाथों से ठाकुर को कैसे मरवाया था इन लोगों ने। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। चौधरी साहब, ये जगह आप दोनों के लिए महफूज नहीं है। क्या क्या देख लिया है जिंदगी में। विकास की चिता देखी, हमेशा तेरी मां की भरी हुई आंखें देखी, और आज तुझे और खुद को भी अपराधी बने हुए देख लिया।
ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा अभी। डैड, वक्त ने कैसे रौंदा है मेरे अभिमान को। बचपन से मुझे एक ही शौक था, दौड़ने का। हर प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए ना जाने मुझ में कहां से शक्ति आ जाती थी। कोई मुझे दाईं ओर से पिछाड़ नहीं सका था और बाईं तरफ से तो मैं किसी को निकलने ही नहीं देता था। लेकिन दौड़कर पहुंचना कहां चाहता था मैं, किस लाइन मार्क को छूना चाह रहा था मैं, आज मुझे समझ में आया कि दौड़ तो मैं अकेला ही रहा था। जिंदगी के 32 साल मैंने खर्च कर दिए इस अंधी दौड़ में और मिला क्या। अच्छा होता अगर गोली मेरे दिल पर लग गई होती, मर गया होता। लेकिन मुझे तो जिंदा रहना था आज की ये जिल्लत देखने के लिए। बस करो डैड, बस। जलील आप नहीं हुए, जलील हुई है ये इंसानियत, ये सच्चाई। जिल्लत के अंधेरे में आपको नहीं, ईमान को झोंका जा रहा है। आपके नाम की पहचान को कोई नहीं मिटा सकता। मिसाल के तौर पर ये दुनिया वाले आपके नाम को हमेशा याद रखेंगे। हाँ डैड, हमेशा याद रखेंगे आपके नाम को, हमेशा याद रखेंगे। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर वो दोनों जिंदा नहीं पकड़े जाते तो मार डालो उन्हें। मैं तुम लोगों को 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अब आप कौन सी बुरी खबर लाए हो? सर, हम लोगों ने मिस्टर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। यस इंस्पेक्टर विजय सर, सर न्यूज तो आपको मिल गई होगी। चौधरी साहब ने लॉकअप में काफी हंगामा मचाया हुआ है सर, आप जल्दी आ जाइए सर। सर मैं आज बहुत खुश हूं सर, मेरे जूनागढ़ का ट्रांसफर परमानेंटली रुक गया, हम दोनों का प्रमोशन होने वाला है सर। यस इंस्पेक्टर शर्मा। सर, रिवॉल्वर हमने इनके हाथ से छीन लिया है। गुड, लगता है कि पागल खाने की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आई, मगर तुम भूल गए कि बाहर की दुनिया से हमने तुम्हारे सारे तार काट दिए। ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों बंद किया? अब उन पर तेरी आवाज का रोब नहीं चलने वाला दिशा ही, क्योंकि तेरा घिनौना चेहरा उनके सामने बेनकाब हो चुका है। तुम? हाँ मैं। ईमानदारी का एक तमाचा पड़ा तो सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगे देसाई। हाँ, पहचाना इसे? ये उन्हीं पापियों में से एक पापी है जिसकी वजह से मेरे डैड को गुनेगार साबित किया गया। पुलिस स्टेशन? क्या मिस्टर देसाई जी? वो बिजी है, वो खा रहे हैं जी, बाद में फोन करेंगे जी। वो तो चांस लेने वाली बात हो गई जी। जी थैंक यू। आ,
एक अदालत हमारी भी देख लो देसाई। आज सारी दलीलें, गवाह और सबूत सब यही पेश हो गए। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपने हाथों से मारोगे इसे। मुझे मत मारो, नहीं, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया देसाई साहब, नहीं, नहीं देसाई साहब, नहीं। इन पेपर्स पर साइन कीजिए देसाई साहब। क्या है इनके अंदर? खान और शेट्टी के सभी ठिकानों पर रेड करने के ऑर्डर्स हैं। मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगा। साइन तो तुम करोगे देसाई। देखो ये फोटोग्राफ और ये कैसेट, अगर तुमने साइन नहीं किया तो एक घंटे के अंदर अंदर ये फोटो छपेगी, खबर बनेगी कमिश्नर देसाई के हाथों कांस्टेबल गुप्ता का खून। मेरी नौकरी, मेरी इज्जत। तो फिर इन पेपर्स पर साइन कीजिए। अपने चेंबूर और विरार के गोडाउन से सारा माल निकाल दो। लाइसेंस। पीछे चेक करो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाओ भाई, जाओ। वो गाड़ी आ गया। ट्रक का बहुत बड़ा स्टॉक पकड़ा गया भाई। क्या काम किया पुलिस ने, भरोसा नहीं होता। मार्वेलस जॉब भाई। पुलिस जब अपने पे आती है ना, कुछ भी कर सकती है। जिस्म के सौदागरों के चुंगल से 20 लड़कियों की मुक्ति। पुलिस को अंधेरी इलाके के जहिंद अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 3 से 20 लड़कियां मिली। ये फ्लैट बाबा खान के किसी नजदीकी रिश्तेदार का बताया जाता है। जिसका भी फ्लैट हो, फांसी लगा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। पुलिस तो खान के पीछे और शेट्टी के पीछे हाथ धो के पड़ी है। सुना है खान के किसी फ्लैट से लड़कियां भी मिली हैं। अरे ये तो बकवास है, इनको तो पकड़ना ही चाहिए है ऐसे। अब तो खान और शेट्टी के चेहरों से धुंध छट चुकी है ना देसाई साहब। उन दोनों के काले कारनामों का सारे शहर को पता चल चुका है। मेरा ख्याल है कि अब आप उनके अरेस्ट वारंट्स पर सिग्नेचर कर ही दीजिए। नहीं, ये मुझसे मत करवाइए, वो लोग मुझे। साइन कीजिए। सर अगर आप परमिशन दे तो इस मौके पे चाय हो जाए। देसाई साहब चाय लीजिए ना प्लीज। क्या अब तो आप यही कहेंगे, ये तो वही हवालदार है जिसका आपने राम नाम सत किया था। हाँ हाँ, ये वही है। देसाई साहब खेल खेलना हमें भी आता है। 24 घंटे में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का दावा। शेट्टी आज तो मेरी बराबरी पर आ गया। बाबा खान, मन्ना, शेट्टी बराबर का वजन लगता है। और कानून वालों ने भी अब साबित कर दिया है कि हम दोनों की कीमत एक ही है। खान भाई अब यह वक्त हमारा लड़ने का नहीं है, हाथ मिलाने का है। खान भाई चौधरी और विशाल हम दोनों का मूवमेंट ब्लॉक करना चाहते हैं और शहर की सारी पुलिस फोर्स भी उनके साथ मिल चुकी है। इसीलिए हमारी यह मीटिंग बहुत जरूरी थी खान भाई। और पुलिस हमारी हुकूमत पर वॉर पावर करे ये तो मैं भी नहीं चाहता। अब क्रिमिनल और पुलिस का फेस टू फेस फाइट होगा। शेट्टी हमारा पहला मूवमेंट इन दोनों की किसी कमजोरी को हाथ में लेने का है। वो कमजोरी है चौधरी की पत्नी और विशाल की मां।
खान भाई, सड़क पे मेरे भाई का जो खून पड़ा है ना, वो पानी से नहीं खून से ही धुलेगा। चौधरी का एक सिपाही सरेआम सड़कों पर घूम रहा है। शर्मा, उस टोले का एक और सिपाही जिसने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किया है। पुलिस वाला इतनी रात को सड़क पर अकेला घूमे, मतलब क्राइम वर्ल्ड का रेपुटेशन खतरे में। पहले भी कहा था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा की मौत के जिम्मेदार आप हैं मिस्टर चौधरी, आप। शर्मा की मौत जिन हाथों से हुई है, उन हाथों को ताकत आप जैसे लोगों ने बख्शी है, मगर एक जाबाज सिपाही की मौत इनकलाब लाती है। डिसाई साहब, शेट्टी और खान की सजा जेल की सलाखें नहीं, मौत है मौत। हेलो चौधरी साहब, पहली बार किसी पुलिस वाले ने हमारी हुकूमत को उखाड़ने की कोशिश की है, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। खान, तुमने तो मेरे भाई को बचाने का एक भी मौका नहीं दिया, मगर हम तेरे को तेरे पत्नी को बचाने का एक मौका जरूर देंगे। क्या रेवती? हाँ ठीक, 1 बजे तुम्हारी पत्नी को फाउंटेन के चौराहे पे छोड़ेंगे, और तुम बाप बेटे दोनों हमारी गुंडा ताकत का नंगा नाच देख सकते हो। माँ ठीक तो है डैड? तेरी माँ ठीक नहीं है विशाल, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, चल। डैड, माँ कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही।
मेरे बेटे को मरवाया था ना, तूने मेरी बीवी की जान ली, मेरी बीवी के हत्यारे। Thank you.
खान भाई मुझे बचा लो खान भाई। मेरी लाइफ का मोमेंट कभी भी बंद हो सकता है। क्या उस चौधरी ने मेरे को बम बांध दिया? खान भाई इसे खोल दो खान भाई। खान भाई इसे खोल दो खान भाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मर जा, मुझे मरवाएगा तू। खान भाई इसे खोल दो खान भाई, तुरंत। खान भाई मुझे बचा, आगे मत आ। खान भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा लो खान भाई। खान भाई इसे खोल दो, खान भाई इसे खोल दो, नहीं तो दोनों का मूवमेंट बंद हो जाएगा। खान भाई बंद हो जाएगा, खान भाई इसे जल्दी से खोल दो। ठाकुर को उन्होंने मेरे ही हाथों मरवाया था। चौधरी साहब निर्दोष है। Suspended, Mr. Desai.